नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। और हम आज HCN न्यूज की जो टीम है उसके साथ आज लाइव हैं। और लाइव होने की एक विशेष वजह है, वजह यह है कि पाकिस्तान ने नया दावा किया है और अभी अभी दावा किया है कि उसने भारतीय सीमा में घुसकर बमबारी की है। ये दावा कितना सच है कितना झूठ है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि 14 फरवरी को जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से पूरे देश में एक आक्रोश था कि बदला लिया जाए, जिसके बाद बीते रोज ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद जो उन्होंने पाल रखे थे उनके आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था, जिसमें 400 आतंकियों को ढेर किया गया था। लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ता दिख रहा था। उसके बाद से उनकी जो आम जनता थी वो लगातार उनसे सवाल पूछती जा रही थी कि आखिर कैसे भारतीय जो सेना थी वो घुसी, इंडियन एयरफोर्स घुसती है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहां के जो रक्षा मंत्री उनका भी एक बहुत ही मजाकिया बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्री बोलते हैं कि पाकिस्तान की जो सीमा में जब इंडियन एयरफोर्स घुसी थी उस टाइम एयरफोर्स नहीं देख पाई, पाकिस्तान एयरफोर्स उनको नहीं देख पाई क्योंकि अंधेरा था। खैर, उस बात में भी हम आपको बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स की जो तस्वीरें जारी की गई थी उस टाइम पे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा जो आगे और नई तस्वीरें हम आपको दिखाएं, यहां से समझाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा इलाका है जो बालाकोट इलाका है जहां पे इंडियन एयरफोर्स ने जाके इस पूरे जो ऑपरेशन को पूरा किया था। इसके बाद की एक और तस्वीर है वो ये है, ये जो तस्वीरें हैं एक ये और एक ये दो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए ली गई थी जो कल जारी की गई है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक नया दावा किया, उसने दावा यह किया कि उसने बदला ले लिया है, एयर स्ट्राइक का बदला ले लिया है। ये बदला कितना सच है कितना झूठ है, इसके लिए हम हमारे सहयोगी के साथ आपकी बात करवाते हैं। हमारे साथ सहयोगी हमारे मुकुल जुड़ चुके हैं। मुकुल, अब क्या कुछ अपडेट है, क्या है ये जो दावा पाकिस्तान कर रहा है, क्या ये बौखलाहट है या फिर ये सिर्फ बचाव के लिए अपना एक तरीका, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार जब से एयर स्ट्राइक हुई थी भारत की तरफ से एक प्रेशर बढ़ रहा था उसकी सरकार, इवन ये हुआ कि प्रधानमंत्री जो इमरान खान है वो भी बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो अभी क्या 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 हुआ क्या है? जी देखिए, अब तक जो सबसे पहले जो अपडेट है वो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसकर अपने 3 विमान जो घुसे हैं और उनसे भारतीय सेना में घुसकर बम बरसाए हैं। लेकिन ये जो भारत सरकार ने अभी तक इस हमले की पुष्टि नहीं करी है, और देखा जाए तो रिपोर्ट्स और मीडिया की खबरें ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो विमान है 3 विमान आए और उन्होंने पुंछ और राजौरी सेक्टर, जो कश्मीर का इलाका है, पुंछ और राजौरी सेक्टर में बम बरसाए हैं। और वहीं भारत सरकार ने इस हमले की अभी तक कोई पुष्टि नहीं करी है, और कश्मीर में जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन सभी को अभी होल्ड पर डाल दिया गया है। मतलब होल्ड पर डाल दिया गया, उनको दूसरे इलाके में भेजा जा रहा है क्योंकि एक सेफ्टी जोन होती है कि भाई अगर ऐसा कोई दावा कर रहा है तो वहां पर जांच की जाए ताकि कोई दूसरी और कैजुअलिटी ना हो सके। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज, कहां कहां कौन कौन से इलाके, नौशहरा है, बडगाम में भी एक खबर आ रही है कि भारतीय सेना का जो मिग है वो क्रैश हुआ, वो क्या कुछ है? जी, उसमें खबर ये आई है कि भारतीय सेना का बडगाम में इस टाइम जो दो लड़ाकू विमान है वो क्रैश हो गए हैं, वो तकनीकी खराबियों की वजह से वो विमान क्रैश हो गए हैं और उसमें भारतीय दो जवान जो है, पायलट जो है, वो शहीद हुए हैं। दो जवान शहीद हुए, तो क्या इनका कोई आपस में कोई कनेक्शन है? बडगाम, नौशहरा, राजौरी, ये कितनी दूरी पर है? क्या क्या दावा पाकिस्तान बडगाम तक पहुंचने तक कभी कर रहा है या सिर्फ राजौरी नौशहरा तक ही? नहीं, वो जो खबरें हैं वो दोनों खबरें अलग है, जो पाकिस्तान जो बता रहा है वो खबर अलग है और ये वाली बडगाम वाली खबर अलग है। हालांकि सेक्टर वो कश्मीर का ही लगता है, लेकिन जो बडगाम के जो विमान जो क्रैश हुए हैं वो विमान क्रैश हुए हैं, उसमें कोई हमला नहीं हुआ है। कोई हमला नहीं हुआ है वहां पर विमान जो पहुंचे थे, क्योंकि आपको मालूम है कि इस तरह की जो भी कोई स्ट्राइक होती है तो दोनों सेनाएं अलर्ट पर होती है, दोनों क्या तीनों सेनाएं बल्कि भारत सरकार ने अलर्ट पर रखी हुई थी। इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, पाकिस्तान की तरफ से जो थी उनकी सेनाएं भी अलर्ट पर थी, इसी वजह से हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो प्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो लगातार वहां का जायजा ले रहे थे। उसी के चलते बडगाम में कोई हादसा हुआ था। लेकिन यहाँ आपको इस बात समझने की बहुत अच्छे से आपको ये समझना पड़ेगा कि बडगाम, नौशहरा, राजौरी, ये बिल्कुल अलग अलग इलाके हैं। पाकिस्तान ने जो दावा किया है बडगाम का नहीं किया है। अगर ये दावा करता है तो ये मानकर चलिए पूरी तरह से झूठा दावा है। हालांकि अभी तक कोई भी पुष्टि ना तो सरकार ने की है, ना ही सेना ने की है, ना कोई सबूत अभी तक इस तरह के कोई दिखे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी बौखलाहट में नए नए दावे कर रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक जो भारत ने की है उसका समर्थन किया है और सीधी सीधी लताड़ पाकिस्तान को लगाई है, उनसे कहा है कि अपनी जमीन से पाकिस्तान जो आतंकवाद है उसको खत्म करें, नहीं तो इससे भी बड़े बड़े ऑपरेशन और होंगे भारत की इस कार्रवाई में।
अमेरिका लगातार खड़ा है, सिर्फ अमेरिका नहीं लगातार कई और भी देश हैं जो भारत का जो समर्थन कर रहे हैं। इसके बीच हमारे साथ हमारे और भी, मैं अपने सहयोगी से और बारे में बात करूं कि अमेरिका ने क्या कुछ कहा है, क्या क्या अपडेट है और बाकी कल का क्या कुछ था। अमेरिका ने जो कहा है कि वो भारत के साथ है, पूरा उसके साथ है, और जो चीन ने उसके हाथ खड़े कर दिए पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के जो भी आतंकी है उनको सबक सिखाया जाए, और अमेरिका ने यही कहा कि वो हमारे साथ ही है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के साथ है, हालांकि जो चाइना है वो हाथ खड़े कर रहा है, वो चाइना की मजबूरी आप समझ सकते हैं, मजबूरी चाइना की, पाकिस्तान की, दोनों में आपस में क्या तुलबंदी बनी हुई है, लेकिन पूरा दुनिया, पूरी जो दुनिया है वो देख रही है कि किस तरह से पाकिस्तान में लगातार जो आतंकवाद है वो पनप रहा है, उसको खात्मे करो, पाकिस्तान के आतंकवाद को भी खत्म करने के लिए भारत ने जिम्मा उठाया लगातार, जो वहां के जो आतंकवादी थे भारत पर अलग अलग इलाकों में घुसकर कई बार बड़ा नुकसान कर चुके हैं। पुलवामा वाला जो मामला, इसके बाद आपने देखा ही था कि क्या तस्वीरें थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा जवाब उस टाइम दिया था कि पाकिस्तान की धरती से जो भी आतंकवादी अब भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं या उनके मददगार हैं उनको जवाब मिलेगा। उसका जवाब बीते रोज ही 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने दे दिया था, जिसका अब ये एक तरीके से पाकिस्तान बौखलाहट में था। उसके बाद अब पाकिस्तान ने यह नया दावा किया है, और ये दावा कितना सच है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इमरान खान जो है वो, उन्होंने बीते रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, एक बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा, जो वहां के सेना के जो इंडियन वहां के पाकिस्तान एयरफोर्स है वहां के उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी ये दावा किया था कि कोई स्ट्राइक भारत की तरफ से नहीं की गई थी, क्योंकि उनके कई बार जो मत है वो बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। उनकी जो संसद में था बहुत ये मुद्दा कल उठाया गया था कि आखिर किस तरह से भारत की जो सेना है इंडियन एयरफोर्स है पाकिस्तान में घुस जाती है और ऑपरेशन को अंजाम देती है, 400 आतंकियों को ढेर किया जाता है, बल्कि 400 नहीं ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल जो गिनी जा रही है वो 400 की अनुमान जो माना जा रहा है, वहां के जो लॉन्च पैड होंगे कई लॉन्च पैडों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो और क्या अपडेट हम मुकुल के साथ और भी अपडेट देंगे कि जो पाकिस्तान के और क्या किस तरह के जो दावे हैं वो कर रहा है, तो मुकुल क्या और नया दावा कर रहा है। मैं आपको पाकिस्तान की अपडेट देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो वहां की जो पूर्व विदेश मंत्री है हिना रफार खान जो मंत्री थी, उन्होंने कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो इमरान खान है उन पर खूब तंज कसे हैं, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के हाय हाय के नारे लगे हैं, और इनफैक्ट शेम की शेम के नारे लगे हैं कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से भारतीय सेना ने कार्रवाई करी। हमने लगातार आपको कल दिखाया था कि क्या कुछ तस्वीरें रही थी, किस तरह से आतंकियों को ढेर किया गया था और किस तरह से उनके जो लॉन्च पैड थे उनको तबाह किया गया था। उसके बाद ही उनकी जो संसद है पाकिस्तान की, उन्होंने भी जो अपनी बातें कही है, जो हिना रबानी है वहां की पूर्व मंत्री है और सांसद है फिलहाल वहां की, अभी उन्होंने शेम ऑन यू मतलब जो इमरान खान थे उनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि आपके हाथ में पाकिस्तान सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। तो इस तरह की जो तस्वीरें थी लगातार सामने आ रही थी, हमने आपको एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई थी और आज हम पूरी जानकारी और भी आपके साथ पहुंचाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। दीपक, क्या कुछ अपडेट और इस मामले में है, क्या चीजें रही? अभी तो सरकार की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है, पर जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा, पीटीआई के हवाले से खबर है। पर अभी जो तीनों एयरपोर्ट है जम्मू कश्मीर के वो बंद कर दिए गए हैं, पूरी तरह से सीज कर दिए गए हैं और कोई भी एंट्री या फिर आउट कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो आम नागरिक है उनकी सुरक्षा के तहत इस तरह के कदम अक्सर उठाए जाते हैं। हमारे साथ मैडम जुड़ चुकी है, मैडम क्या कुछ कहेंगी, जो दावा पाकिस्तान कर रहा है क्या ये बौखलाहट है, क्योंकि पाकिस्तान के जो खुद के उनकी जनता थी वो सवाल लगातार उठा रही थी कि भी इंडियन एयरपोर्ट घुसती है आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और नए नए बड़े बड़े दावे करते, क्या कहेंगे? इंडिया ने जो भी कार्रवाई करी है उसने साफ लहजे में कहा है कि ये कार्रवाई उन्होंने टेररिज्म के ऊपर करी है, पाकिस्तान के ऊपर नहीं करी। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि टेररिज्म उसका एक पार्ट है, ये जो टेरर बेस इन्होंने हमने तबाह किए वो उनका एक पार्ट है, तो वो रिटेलिएट करने की कोशिश करता। आप ये समझ सकते हैं कि वो अपने आप को क्या साबित करना चाहता है सबके सामने ये सब हरकतें करके। फिलहाल वो कोशिश तो करेंगी, प्लान भी करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है इमरान खान के ऊपर। तो अभी जब इस न्यूज की पुष्टि हो जाएगी हमारे इंडियन सोर्सेज के थ्रू, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि ये कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुई कल और आज वहां का जो शेयर बाजार है वो पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है और जो वहां का जो महंगाई का स्तर है वो भी एक साथ बढ़ा है, क्योंकि टमाटर का आपने देखा। देखिए ये इसे कहते हैं प्री वॉर सिचुएशन। प्री वॉर सिचुएशन एक दबाव के लिए क्रिएट किया जाता है जहां पे सारे ट्रेड लिंक्स तोड़े जाते हैं और जितने भी आतंकी बेस है उनको खत्म किया जाता है, उनका एम्युनिशन खत्म करके उनको पैरालाइज किया जाता है। ये प्री वॉर सिचुएशन क्रिएट करके बॉर्डर पे रखना बहुत जरूरी था, पहले से ही करना चाहिए था ये, जो कि अब इसको अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। एंड ना हम लोग हिंदुस्तान के आवाम इससे परेशान है,
हम लोग बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि अगर कुछ होगा तो रिटेलिएशन तो उसका होगा, हम लोग तैयार हैं उसके लिए। और सारे एलओसी पे लोग तैनात हैं और आर्मी तैनात है, वो लोग सब लोग तैयार हैं इसके। उनको पता था बिना तैयारी के इस तरह की स्ट्राइक कोई भी देश नहीं करता है, ये तो पाकिस्तान को भी पता होगा। बिल्कुल पता होगा। बीती रात जो लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों को दिखाने की कोशिश कर रहा था, रात भर उन्होंने एक तरीके से आईओसी पर फायरिंग लगातार की है। इसका असर ये हुआ है कि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंहतोड़ जवाब में 6 जो पाकिस्तान रेंजर्स थे उनको ढेर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है। इस बीच हमारे जो मुकुल सहयोगी है, मुकुल कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुल क्या कुछ है? अभी अभी अपडेट आई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है वो गृह मंत्रालय पहुंचे हैं। और सर अभी अभी अपडेट ये भी आई है कि जो पुंछ और राजौरी में उन्होंने जो बम गिराए हैं उनकी कुछ ये तस्वीर हमारे सामने भी आई है। मतलब ये पुष्टि हो चुकी है कि इस तरह के कोई बम गिराए हैं या फिर ऐसे ही वो हवाई कर रहे हैं? जी, ये भारतीय सेना की तरफ से ये ANI की खबर है कि उन्होंने ये जो बम किए हैं ये तस्वीर हमारे साथ में देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो तस्वीरें दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा साइड दीजिए, अब देखिए जो तस्वीरें आपके सामने है कुछ ढेर टाइप का नजर आ रहा है। लेकिन ये दावा अभी तक कहना सही नहीं है कि ये वही तस्वीरें हैं या नहीं है, क्योंकि अभी तक जब तक सरकार और सेना दावा नहीं कर देती है, इसकी पुष्टि नहीं कर देती है, तब तक कहना कुछ भी सही नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर लगातार जो पॉलिटिकल प्रेशर था, जो इंटरनेशनल तरीके से प्रेशर था कि भी आतंकियों को आप लोगों ने क्यों पाल रखा है और जब भारत सेना की जो कार्रवाई कर रहे हैं तो आप लोग उसका सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लगातार उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ये एक तरीके से बौखलाहट भी हो सकती है। और ये इस तरह की जो कार्रवाई अगर वो कर भी रहे हैं तो इसका अंजाम अब क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम पूरी जानकारी के लिए इसका पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए एक्सएन न्यूज़। धन्यवाद।